हेलो दोस्तों, नमस्ते। फिर से एक बार हमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने एक नई वनस्पति को लेकर हाजिर हुए हैं। आज की वनस्पति एक पेड़ है जो हमारे पीछे आप देख रहे हो, ये व्हाइट शॉप पेड़ यानी सफ़ेद जामुन का वृक्ष, सफ़ेद जामुन का पेड़। इस बगीचे के अंदर ऐसे ढेर सारे पेड़ है और मैं आज इनके बारे में आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो आइए अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। मलेशियाई मूल का ये पेड़, व्हाइट जामुन का पेड़, लगभग 20 से 40 फीट की हाइट वाला एवरग्रीन ट्री है। पूरे साल हरा भरा रहता है। इनमें पत्ते 10 से 25 या कभी कभी 30 सेंटीमीटर की लेंथ वाला होता है और इसकी चौड़ाई 4 से 10 सेंटीमीटर की होती है। पत्ते ऊपर डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें मार्च अप्रैल में हल्के रेड वाइट या हल्के येलो वाइट कलर के फूल लगते हैं। इनमें वाइट कलर के, पिंक, रेड या इन सब का मिला हुआ भी कलर का आपको फल मिल जाएगा और ये अप्रैल और मई में लगता है। अगर आप फल को तोड़ोगे तो तोड़ने से इनमें से गुठली निकलेगी या कोई कोई के अंदर नहीं भी होती। गुण में ये मधुर, शीतल, रुचिकर, त्रिदोष शामक। आप जब भी फल खाना चाहे तो शाम के पहले खा लिया करें। आइए अब जानते हैं इसे अलग अलग भाषाओं में क्या कहते हैं। गुजराती में सफ़ेद जांबू, हिंदी में गुलाब जामुन, गुलाब जाम, संस्कृत में विदेशी जम्बू फल, मराठी में मखाली जाम्ब या जाम्बुल कहते हैं, कन्नड़ में नेराले, तमिल में नेरेदम, तेलुगु में निरिद्दु और उर्दू में जामन, केरला में चंबक्का के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में बंगाल जाम्बू, वाटर एप्पल, वाइट जाम्बू, वेक्स जाम्बू, वैक्स एप्पल या जावा एप्पल, रोज एप्पल या ऑर्नामेंटल ट्री के नाम से जानते हैं। इसे लैटिन में यूजेनिया जाम्बोर्स या फिर यूजेनिया मलाकेंसिस के नाम से जानते हैं। ये पेड़ मधुमक्खियों का प्यारा है, जल्दी ग्रो करने वाला और आप इसे अपने घर के आसपास या बाग बगीचों में लगा सकते हो। आइए अब जानते हैं इसका औषध उपयोग। डायरिया के लिए, डायरिया में आप इसकी गुठली पानी के साथ सेवन करें। एक उपाय शोर थ्रोन के लिए यानी गले में खिचखिच, आवाज में रुकावट, गले में दर्द, गले में जलन, गले में शोष, इन सब में ये लाभ करता है। हर्निया के रोगियों को भी इसका नियमित सेवन करना चाहिए। पेट में अल्सर हो तो जामुन का शरबत अब बनाकर पीते रहे। इसका नियमित सेवन बॉडी का इन्फेक्शन को दूर करता है। ये किडनी के लिए भी लाभ करता है, हार्ट के रोगों में भी उपयोगी है। ये हार्ट और स्टमक को बल देता है और पेट के दर्द को भी दूर करता है। शीतल होने से शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। ये बलवर्धक है। इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0.0 यानी कि कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं। व्हाइट जामुन के फल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 0.0 है, फिर भी अगर आप इसका सेवन करते हो तो कोलेस्ट्रॉल को ये घटाता है। इनमें मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी और प्रोटीन भी है, पर प्रोटीन 0.6 mg की मात्रा में है। आप इसका शरबत भी बना सकते हैं, सलाद भी बना सकते हैं और स्पाइसी जूस भी बना सकते हैं। इनमें से वाइन, विनेगर और रोज अर्क भी बनता है। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।